तो ये हर कबीले ने अपने नाम से एक छोटी सी मस्जिद बनाई थी, तो इन्हें मेमोरियल मसाजिद कहे तो भेजा नहीं होगा। तो बारह नीतों पर ये जो कार लिखी गई है इसमें मुख्तलिफ अदियान और अकवाम की निशानियाँ हैं, तो इस कोने से शुरू करते हैं। ये एक स्वास्तिका का निशान है, ये हिंदू उम्मत में इंतहाई मोहतरम निशानी है। हिंदू बरादरी के अकीदे के मुताबिक इसको अमन और खुशहाली की निशानी समझते हैं। शायद आपके जहन में सवाल पैदा हो, अमन और खुशहाली की निशानी क्यों समझते हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि यह संस्कृत जबान में एक लफ्ज़ लिखा गया है, लिखाई संस्कृत जबान की है, और वो जो लफ्ज़ है वो गणेश देवता का नाम है, इसलिए इसको अमन और खुशहाली की निशानी समझते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये दो एक जैसे फूल, ये जो फूल है ये लोटस का जो फूल होता है उसकी निशानी है, यानी कमल का फूल। ये कमल का फूल हिंदू मत और बुद्ध मत दोनों मजाहिब में इंतहाई मोहतरम और मुकद्दस समझा जाता है। हिंदू बरादरी का अकीदा है कि जब गणेश छोटा बच्चा था उसको इस फूल के ऊपर रखा जाता था, जबकि बुद्ध मत बरादरी का अकीदा है कि महात्मा बुद्ध इसी फूल के ऊपर ही पैदा हुए थे, यानी महात्मा बुद्ध को उनकी वालिदा ने इसे फूल के ऊपर ही जन्म दिया था। इसलिए हिंदू बरादरी और बुद्ध मत बरादरी दोनों इस फूल को बहुत ही मोहतरम समझते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ राउंड फिगर्स हैं, ये एक, ये दो और वो आखिर में तीन। ये जो राउंड फिगर है ये कोई फूल नहीं बल्कि ये है एक मैथमेटिकल फार्मूला है जिसे फिबोनाची सर्कल कहा जाता है। फिबोनाची इटली का एक इंतहाई मशहूर व मारूफ रियाजीदान गुजरे हैं 1202 AD में। ये उसका ऐजाद करदा फार्मूला है। यह फार्मूला आज के दौर में भी मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर मुस्तमल है, मसलन आपके टेलीस्कोप के अंदर, आपके कैमरे के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर। खुसूसन जो हजरात स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है वो भी खूबी जानते हैं, स्टॉक मार्केट की मंदी और तेज़ी को नापने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है, यही फार्मूला आज के दौर में भी इस्तेमाल होता है। इसको फिबोनाची सीक्वेंस, गोल्डन सीक्वेंस और गोल्डन रेशियोज भी। मसाजिद हैं तो इस मस्जिद के ऊपर जो आर्ट है ये आयोनियन आर्ट कहलाता है। खैर ये आपके पाँव की जो जगह ये यहाँ का चौपाल था, यहाँ से गलियाँ तकसीम होती थी। ये इसके अंदर कोई 300 के लगभग दराबाद थे। 1856 तक सही सलामत गाँव बिजली का निज़ाम, पानी का निज़ाम, सीवरेज का, वो हर चीज़ अंडरग्राउंड है, ऊपर बिजली की तारें नहीं है यहाँ पर। शानूर और शानूर इधर आ, खाली से खाना है इधर खा ले। अस यहाँ नहीं आ पासे मुश्किल बना रखा था, खुदा न खास्ता कोई दुश्मन यहाँ तक भी पहुँच जाता है तो आसानी से अंदर घुस ना सके, इसलिए इसको थोड़ा सा मुश्किल बनाया। इसके ऊपर थोड़ा बड़ा वो उन्होंने दरवाज़ा बनाया, वो खुदा न खास्ता दुश्मन पहुँचने की सूरत में वहाँ से दुश्मन को पत्थर बरसा सकते थे, वहाँ से आग और गर्म एशेज फेंक सकते थे, क्या कहते हैं वहाँ से उबलता हुआ तेल फेंक सकते थे। इस तरह की कार्रवाई के लिए वो मैंने थोड़ा बड़ा रखा और ये थोड़ा सा मुश्किल बना रखा कि कोई दुश्मन आसानी से अंदर घुस ना सके। ये